भारत में मुंह का कैंसर सबसे आम कैंसरों में से एक है। पिछले 10 सालों में मुंह के कैंसर के मामले में एक तिहाई से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। यह कैंसर होंठ, मसूड़े, जीभ और गालों के अंदरूनी परत, मुंह के ऊपर और जीभ के नीचे समेत मुंह के किसी भी हिस्से में विकसित हो सकता है। इस भयानक बीमारी से बचने के लिए इसके लक्षणों को जानना और उसकी जल्द से जल्द जांच करवाना बहुत जरूरी है। साइंस डायरेक्ट वेबसाइट में प्रकाशित 2020 की एक रिसर्च के अनुसार तंबाकू का सेवन मुंह के कैंसर का प्रमुख कारक है। गुटखा, जर्दा, खैनी, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, ये सारी चीजें तंबाकू में शामिल है, जो ट्यूमर के विकास का एक प्रमुख कारण है। युवा और वृद्ध दोनों आयु वर्ग के लोग इसका शिकार हो रहे हैं। मुंह का कैंसर शुरुआत में कुछ संकेत और लक्षण देता है, जिन्हें किसी को भी भूलकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। व्हाइट पैचेस यानी सफेद निशान, मसूड़ों, जीभ, टॉन्सिल या मुंह पर लाल या सफेद मोटे धब्बे दिखाई देना खतरनाक हो सकता है। इस स्थिति को ल्यूकोप्लाकिया कहते हैं। अधिकांश ल्यूकोप्लाकिया पैच नॉन कैंसर होते हैं, हालांकि कई कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। ये तंबाकू उत्पादों के सेवन की वजह से हो सकता है। अगर किसी को ऐसे निशान नजर आए तो बिना देरी के डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। लगातार होने वाली गांठें, अगर आपके मुंह में या लिम्फ ग्लैंड्स यानी गर्दन की लसिका ग्रंथि में किसी तरह की गांठ महसूस हो रही है तो ये खतरनाक हो सकते हैं। अगर आपको लगातार ऐसा महसूस हो सकता है कि गले में कुछ फंस गया हो या गले में खराश का अनुभव हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बिना किसी वजह के अगर आपके चेहरे, मुंह या गर्दन और उसके आसपास दर्द होता हो, सुन्नता महसूस होती हो तो ये मुंह के कैंसर का संकेत हो सकता है। स्थिति में जबड़े में सूजन और दर्द भी हो सकता है। दांतों का गिरना, एक या एक से अधिक दांतों का बिना किसी वजह से कमजोर होना और गिरना कैंसर का संकेत हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने कोई दांत निकाला है और उसका उस जगह पर हुआ गड्ढा भर नहीं पा रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।